क्या हाल है दोस्तों, और कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी? और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं कि रीडिंग की कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इस एग्ज़ाम को लेके। आपको सभी को पता होगा, जैसे ही हम स्किल टेस्ट देने बैठते हैं, टाइपिंग करने से पहले हमें रीडिंग करने का टाइम दिया जाता है। मिनिमम आधा घंटा हमारे पास होता है जिसमें हम रीड करने को हमें मिलता है। सो आप रीडिंग की पहले आप डिक्टेशन, ऐसे आपको डिक्टेशन लिख लेनी है, उसके बाद आपको पूरे का पूरा रीडिंग करना है। इसका आपको क्या फ़ायदा होने वाला है, जैसे आप पूरी डिक्टेशन लिख लोगे उसके बाद आप इसको पूरा रीड करके देखिए, या फिर आप किसी को सुनाइए या फिर खुद रीड करके देखिए, और इसमें जो जो हार्ड वर्ड लग रहे हो वो लिख लीजिए, जो स्पेलिंग थोड़ी कन्फ्यूजिंग हो उनको पहले से नोट डाउन कर लीजिए। क्यों, आपको अभी तीन दिन के बाद एग्ज़ाम है तो उस दिन आपको ऐसे लिखनी पड़ेंगी ये चीज़ें, और आपको रीड भी करना है। तो आप अभी तक अगर रीड नहीं कर रहे हैं तो अभी रीड करना स्टार्ट कर दीजिए, और इस चीज़ के हैबिचुअल खुद को कर लीजिए और हो जाइए। और मैं आपको दावे से कहता हूँ, आपको बहुत ही अच्छे से फ़ायदा होने वाला है इस चीज़ का। सो चैनल को जाके अभी के अभी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज स्टेनो फील्ड से रिलेटेड हर इन्फॉर्मेशन और टिप्स आपको इस चैनल पर हमेशा मिलती रहती हैं। ओके गैंग, गुड लक दोस्तों फॉर योर स्किल टेस्ट।